कल हम कल मेरे को कुछ खाने के लिए दे तो मेरे को भूख लगी है। बेटा खाने को क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं यार। बिस्कुट है यार। ये लो बेटा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है। आपका घर नहीं है? आपके मम्मी पापा कहाँ है बेटा? मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। आपके मम्मी पापा नहीं है? नहीं। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और ऊपर से अनाथ भी है, मैं क्या करूं? बेटा मेरे साथ रहोगे? हाँ। मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे? हाँ। मेरे साथ चलोगे? हाँ। आ गए? सारा सामान मिल गया? मिल गया। आ जाओ। क्या हो गया, खड़े क्यों हो? आओ। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे हाँ पता है, मैंने सामान मंगाया था मेरे लिए। अरे सामान के साथ तुम, मैं किसी और को भी लाया हूँ तुमसे मिलाने के लिए। कौन है ये? कौन है? सब कुछ यही पूछ लोगी, थोड़ा सा अंदर भी तो आने दो। अच्छा हाँ चलो चल। अभी ना किसी को भी उठा लाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खुशहाल है। क्या हो गया? बच्चे हैं, बच्चों को बैठने देती ना। अब बताओगे कौन है ये? यार मैं ना मार्केट से आ रहा था और आते हुए मेरे को मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, अंकल अंकल मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। अरे यार वो तो ठीक है, हर किसी को घर पर उठा लाओगे, इसके मामा ढूंढेंगे फिर। यार इसके मम्मी पापा भी नहीं है, अनाथ है ये। घर में रहेगी? हाँ ये हमारे साथ रहेगी। हमारे पास एक बेटा था, एक बेटी कमी थी, बेटी आ गई। बेटा ये आपकी मम्मी है, ठीक है? अब आप मम्मी बोलने कर रहे हैं, मेरे को पापा और उनको मम्मी। यार खुश के कुछ अच्छे कपड़े रखे हो ना तो उसको दे दो पहनने के लिए, देखना सारे फटे हुए कपड़े पहने हुए इसने। और मैं कल इसके लिए जब आऊँगा ना ऑफिस से तो मैं इसके लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े कर ले आऊँगा। अभी खुश के कोई कपड़े हो तो वो दे दो। छोटे के लिए कपड़े दिए हैं। बट मम्मी नहीं आई, मम्मी कहाँ है? नहीं मम्मी किचन में काम कर रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो बेटा छोटी मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, हैं? आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, ठीक है? ये हैं आपके साफ कपड़े, ठीक है? और आपके लिए मैं अच्छे वाले कपड़े लाऊंगा कल। अरे सुधा। हाँ। यार छोटी तो बना दो इसकी यार। काम कर रही थी मैं, अभी थोड़ी देर में बना दूंगी। बेटा लगता है मम्मी ना बिजी है, चलो मैं बना देता हूँ आपके बाल, ठीक है? बेटा थोड़ी सी आपकी चोटी ना ऊपर नीचे हो गई ना, हो गई है, बट कोई बात नहीं, कल से मम्मी बनाने लगेगी ना तो बिल्कुल अच्छी बनेगी चोटी। फॉर बॉल और ये सी फॉर कैट। छोटी ये लो, ये रही आपकी अलग से कॉपी पेंसिल और रबड़, आप इसमें पढ़ो। और खुश आप इसके बड़े भाई हो, आपको इसको सब पढ़ाना है, ए फॉर एप्पल सब एवरीथिंग। ओके ठीक है। ओके ये लो छोटी आप, ठीक है बेटा? तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ठीक है? और बेटा एक बात और, मम्मी जो बोले ना मम्मी की सारी बात मानना, ठीक है? और परेशान मत करना मम्मी को। खुश आप भी ठीक है पापा? और आप छोटी को परेशान मत करना। नहीं पापा मैं इसका हर दिन ध्यान रखूंगा। चलो ओके बाय, ठीक है? ठीक है पापा। चलो ओके बाय। मैडम क्या कर रही हो? रख दो यहाँ पे, रख इसे। एक तो फ्री फंड का घर में आकर रह रही है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई भी हो रही है मैडम की। चल घर के काम देख जाके, आई बड़ी पढ़ने वाली।
कलेक्टर बनेगी हमारे घर में। पापा ने तो छोटी को बोला था वो पढ़ाई करे, आप उसको क्यों डांट रही हो? चुपचाप अपना पढ़ ले, मतलब नानी घर चले जाऊंगी छोड़ के यहीं पे अकेला। चल जाके झाड़ू लगा। सोच के आई थी ना फ्री फंड में रहूंगी। काम कर सारा, बहुत काम पड़ा अभी, खत्म कर इसे। बस चलिए जरा, ये डस्टिंग का कपड़ा, ये सारा डस्टिंग करना है ऊपर नीचे सारा, ये सब टेबल साफ करना है, कोई सामान टूटना चाहिए वॉश को उठा के अच्छे से डस्टिंग करियो, ठीक है? करने के बाद मुझे बताइए, फिर और भी काम है। ये क्या हो रहा है? ये कर रही है? तू चोरी करना सिखा रही है मेरे बेटे को? एक दिन तेरे घर में आए हुए नहीं हो, तू चोरी करना सिखा रही है मेरे बच्चे को? खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो। तू चोरी करना सिखा रही है? हैं? चोरी करना सिखा रही है? मम्मी इसने खुद नहीं लिया, मैंने इसको दिया है। बोलेगा झूठ अभी? इसकी तरफ दारी करने कोई जरूरत नहीं है। एक दिन आया नहीं हुआ, चोरी करना सिखा रही है। चल यहाँ से जा। बर्तन लगा दे सारे वहां जो धोए थे? काम करा नहीं, खाने भूख पहले लग गया। चल बैठ, मैं लेके आती हूं। पता नहीं पापा तक कब तक पहन के मैं कौन क्या दे लिए। ओ महारानी ले, ये खाना खत्म कर और सब्जी वगैरह काटनी है शाम का, ठीक है? फटाफट काट के रख सब्जी वगैरह। बाय से। सब्जी और दाल वाल सब खत्म हो गई है, शाम के 4 बज रहे हैं, पता तेरे को? खत्म है इसका खाना। अभी तक खाया नहीं क्या? जल्दी आ जा, काम करना है बहुत, खाने बैठ के 2 घंटे तक। अरे मम्मा बुरा आने, मेरे को काम करना है, मैं बात नहीं कर रही। हाँ आ गया। अरे खुश? हाँ, छोटी का है वो ना छोटे। हाँ ये छोटी, मैंने इसे कुछ खाने की चीज बनाई थी ना, मैंने इसके लिए बुला लिया था खिलाने के लिए। कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा। ये देखो, मैं ये छोटी कॉपी पढ़ लो। देखो आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ, खिलौने। पापा ये आपका और ये आपका। सुनो आप वो दूध ले आते, दूध खत्म हो रहा था। ठीक है पापा, आपको पता है मम्मी ना छोटे से बहुत नफरत करती हैं। क्या बोल रहे हो? और ना मम्मी ना छोटे से ना बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, और ना देर से खाना देती है। अच्छा, वो बहुत रोते और ना मम्मी से बहुत नफरत करती है। पता नहीं पापा, जब भी आप आते हो तो मम्मी छोटी को बहुत सारा प्यार करने लग जाती हैं। आप लोग पढ़ो,
और एक चीज़ याद रखना, छोटी आप और खुश आप, मम्मी को मत बताना कि आपने मेरे को सारी बात बताई है। ठीक है पापा। ठीक है। सॉरी बेटी, बच्चा मैंने आपको यहाँ पे ले आया, आपके साथ तो और भी गलत हो रहे हैं। तब वो आप तो अपनी मम्मी समझ रही हो, लेकिन वो आपको अपनी बेटी नहीं समझ रही है ना। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या गिरा? क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है तू? चोर कहीं की भिखारन भीख मांगती थी, यहाँ लाके बिठाया घर में मेरी चीजों को। घर कैसे कैसे मेरे का करने का मन था? लेके आई थी तू सामान अपने घर से? घर बार तो है नहीं, कहाँ से लाएगी? जी तो करता तेरे यहाँ से। अरे आप आ गए, ये कर रही थी आप? मैंने सब सुन लिया गेट के वहाँ से, तुमसे सब क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें क्या सोचा था, तुम्हें मैंने और तुम क्या निकली? क्या करो, जिस मर्जी को घर में लाके बिठा दोगे तो हर किसी को अपना लूं क्या मैं? पता नहीं कौन सा खून है, कौन सी जात है, किसी को भी लाके घर में बिठा देंगे। अगर यही सब मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में सोचा होता तो आज मैं जहाँ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ ना, मैं उस मुकाम पे नहीं होता। मतलब मैं भी इसकी तरह एक अनाथ हूँ। तो क्यों, आपके मम्मी पापा हैं तो सही? वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं है, जैसे मैं इसको लाया ऐसे उन्होंने मुझे रास्ते से उठाया था। अगर उनकी सोच भी तुम्हारी तरह घटिया होती ना तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। शर्म करो, तुम इंसान इंसान को नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझेंगे? माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। सॉरी, मैं आपसे आपके लिए आपसे ही माफ़ी मांगती हूँ। अब तुम मेरे से माफ़ी नहीं, तुम इससे माफ़ी मांगो, तुम इसकी गुनाहगार हो, मेरी गुनाहगार नहीं हो। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। तेरे पापा जैसे सारे इंसान हो जाए दुनिया में तो शायद कोई अनाथ ही ना रहे। आप बड़े होकर पापा के जैसा ही बनना, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी आपकी मम्मी बनने की। सॉरी बेटा, आज से मेरे एक नहीं मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बेटी भी है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो एक मोरल स्टोरी थी और इस सोसाइटी के ऊपर हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। जिन पे औलाद है उनका तो ठीक है, जिन पे नहीं है, अगर वो ऐसे एक मासूम बच्चे को अपने घर में पनाह दे दें तो शायद कोई घर हमारे समाज में कोई ऐसा बच्चा हो ना जो भीख मांग के अपने जीवन को व्यतीत करे। तो ऐसे मासूम बच्चों को भी उनके घर, उनके परिवार, उनके माँ बाप मिल सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी हमने जो आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बाय 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 बाय।